सात साल से चला आ रहा एप्पल और सैमसंग का पेटेंट विवाद आखिरकार सुलझा लिया गया है। एप्पल का इल्जाम रहा है कि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने आईफोन का डिजाइन कॉपी किया है और इस वजह से सैमसंग को पेनाल्टी के तौर पर पैसे भी देने पड़े हैं। हालांकि ये एप्पल और सैमसंग का ये पेटेंट विवाद किस टर्म पर सेटल किया गया है अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। गौरतलब है कि टर्म ऑफ सेटलमेंट अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया में किया गया है। आपको बता दें कि आईफोन का डिजाइन कॉपी करने को लेकर इस पेटेंट की जंग 2011 में शुरू हुई। शुरुआत में कोर्ट ने एप्पल के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सैमसंग से $1 बिलियन का जुर्माना मांगा। हालांकि ये केस यहीं खत्म नहीं हुआ। दरअसल एप्पल का आरोप है कि सैमसंग ने एप्पल के बेसिक फंक्शंस चुराए हैं, उदाहरण के तौर पर टैप टू जूम, होम स्क्रीन, ऐप ग्रिड और लेआउट। असल मुद्दा था कि सैमसंग ने शुरुआती दिनों में एप्पल के डिजाइन और यूजर इंटरफेस को कॉपी करके लोकप्रियता हासिल की और यही आरोप एप्पल का रहा है। दिलचस्प ये रहा कि जूरी ने भी माना कि सैमसंग ने ऐसा किया है, यानी एप्पल का आरोप सही है। हाल ही में सैमसंग ने $539 मिलियन देकर इस मामले को सेटल करने की बात की गई है। इसके बाद सैमसंग ने फिर से अपील की, लेकिन दोनों कंपनियां अब अगली सुनवाई से पहले ही इस अग्रीमेंट पर पहुंच गए हैं कि अब इस मामले को खत्म करने का समय आ गया है। एप्पल ने इस केस को सेटल करने के लिए जो टर्म्स हैं उसके बारे में मीडिया को नहीं बताया है। हालांकि एप्पल ने ये कहा है कि डिजाइन को लेकर कंपनी काफी गंभीर रहती है और ये केस हमेशा से पैसों से बढ़कर है। इस मामले में सैमसंग की तरफ से अब तक कोई बयान नहीं आया है। 2016 के आखिर में एक ट्रायल में हार के बाद सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी और कोर्ट ने सैमसंग की उस दलील को खारिज नहीं किया जिसमें सैमसंग ने कहा कि पेटेंट का उल्लंघन करने वाले को चुराए हुए डिजाइन से कमाए गए सारे पैसे नहीं दिए जाने चाहिए। इस पेटेंट की जंग में फायदा एप्पल का ही माना जा रहा है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कौन से वो टर्म्स हैं जिन पर दोनों कंपनियों ने इस पेटेंट बैटल को विराम देने का निर्णय लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, BHBC न्यूज़।